भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चल रही कांग्रेस की गुटबाजी अभी थमती नजर नहीं आ रही। सतपाल सांगवान ने अपने निवास स्थान पर आयोजित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार श्रुति चौधरी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से चलते आ रहे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट विवाद पर अब विराम लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि इस विवाद को थामने के लिए प्रदेश की कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी और लोकसभा प्रत्याशी श्रुति चौधरी खुद बीती 16 मार्च को सतपाल सांगवान के निवास चरकी दादरी पहुंची थी। गौरतलब है कि दोनों ही सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले सरकार के इस पूरे कार्यकाल में किरण चौधरी को सतपाल सांगवान को एक साथ नहीं देखा गया। माना ये भी जाता रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा है, लेकिन इस बारे में जब किरण चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मनमुटाव किस बात का? कांग्रेस पार्टी के हमारे मंत्री हैं, ये तो मनमुटाव पांचों इंगली नहीं होती बराबर, किसी ना किसी का आगे पीछे होता रहता है, क्या मनमुटाव है इसमें? किरण चौधरी से मुलाकात के बाद जब सतपाल सांगवान से पूछा गया तो उन्होंने श्रुति को समर्थन देने की बात पर कहा कि वो 23 मार्च को वर्कर्स मीटिंग के बाद ही इस बात का फैसला करेंगे। ये 23 तारीख को मैंने वर्कर मीटिंग बुला रखी है, सभी भाइयों के साथ मिलकर मैं फैसला करूंगा। अपने वर्कर से तो पूछना बहुत जरूरी है जिनके सारे मैं चला हूं अभी तक। जिसके बाद सतपाल सांगवान ने निवास स्थान चरकी दादरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर श्रुति चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया। मैं ये स्टेप लेने जा रहा हूँ, आप खुश है कि नहीं है? तो इन्होंने मेरे को यह कह दिया जिस स्टेप के लिए, और इन्होंने कह दिया कि आप चिंता ना करो, आखिरी सांस तक मरेंगे जियेंगे और अगलों को भी बाल नहीं करती के देख ले, ये लोग उनको जिताएंगे, अगर जिताएंगे तो नहीं जीते, ये तो आपने भी देखा है। अब तो ये नंबर मेरे को विंडो दे दिया, दे रहे हैं, इन्हें पास कर दिया भाई दे रहे हैं। सतपाल सांगवान का श्रुति को समर्थन देने की बात कहना श्रुति चौधरी के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले वक्त पर ही साफ हो पाएगा। चरखी दादरी से देवेंद्र सांगवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।